आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 649वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हम करने जा रहे हैं प्लास्टिक पॉलीथीन के दुष्प्रभावों के संबंध में। बहुत बड़ी समस्या बनकर यह उभर रहा है। विश्व भर में प्लास्टिक के कचरे की रिसाइकिलिंग होती है, पर सिर्फ 10% रिसाइकिलिंग हो पाती है। तब इसका उत्पादन बंद करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों के हस्ताक्षर हों, इसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए। लिमिटी की लालटेन के 649वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है जब लोग अपने घरों से यात्रा के लिए कहीं निकला करते थे, आप हम सभी जाते थे। तब हम अपने घर से रास्ते में पानी कहाँ मिलेगा, पीने के पानी के लिए या तो छागल साथ में ले जाते थे, एक मोटे कपड़े की थैली होती थी जिसमें पानी भरा होता था, छागल सुराही, इन दो चीज़ों को ही हम ले जाया करते थे। अगर ज़्यादा संपन्न नहीं होते थे तो कहीं से कांच की बोतल जुगाड़ कर उस कांच की बोतल में पानी ले जाया करते थे। 90 के दशक या 80 के दशक के पूर्वार्ध की अगर हम बात करें तो 80 के दशक के पूर्वार्ध में इस सब का स्थान ले लिया प्लास्टिक की बोतलों ने। कपड़े हो, सब्जी हो, चाहे सब्जी के थैले हो, कपड़े के थैले हो, इस सब में प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। प्लास्टिक आज हमारी धरती पर, इस प्लास्टिक का दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे अनजान हम प्लास्टिक पर पूरी तरह निर्भर नज़र आ रहे हैं। दरअसल प्लास्टिक की संरचना बहुत सारे रसायनों से मिलकर होती है, जो हृदय और कैंसर रोग सहित अनेक बीमारियों के जनक माने जा सकते हैं। प्लास्टिक का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1856 में इंग्लैंड के बर्मिंघम निवासी अलेक्जेंडर पार्क्स के द्वारा सबसे पहले इसे बनाया गया था। प्लास्टिक का पहला स्वरूप 18वीं शताब्दी में 1862 में दुनिया के सामने आया। इसे एक प्रदर्शनी में रखा गया था। अलेक्जेंडर के द्वारा पार्किनसाइन कंपनी बनाकर 1866 में इसका व्यावसायिक उपयोग आरम्भ किया था। बात की जाए पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन को सबसे पहले जर्मनी के हैंस वोन पैचमैन के द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में इसे प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान उनके द्वारा देखा गया था। सफ़ेद रंग का मोम जैसा पदार्थ बनते उनको देखा, इसका अध्ययन किया और पॉलीथीन का नाम इसे दे दिया गया। 19वीं सदी के आरंभ में फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल, सिंथेटिक जैसे पदार्थों का उपयोग कर प्लास्टिक बनाना आरंभ किया गया। इसके बाद शोध दर शोध के उपरांत 1907 में बेल्जियम मूल के निवासी पर अमेरिका में रहने वाले, बेल्जियम के निवासी थे, अमेरिका में रहा करते थे, डॉक्टर लियो हेड्रिक बैकलैंड के द्वारा ऐसे इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन, कुछ परिवर्तन करते हुए सिंथेटिक तरीके से प्लास्टिक का निर्माण आरंभ किया गया, जिसका उपयोग कई तरह के उद्योगों में भी किया जाने लगा। इसमें एस्बेस्टास, स्लेट बनाने के पाउडर और लकड़ी के बुरादे आदि को मिलाकर इसे गर्म किया गया और जब इसे ठंडा किया गया तो एक कठोर पदार्थ मिला। 1912 में बैकलैंड के द्वारा इसे चूंकि बनाया गया था इसलिए उनके नाम पर ही इसका नामकरण बैकलाइट किया गया। औद्योगिक तौर पर प्लास्टिक का उत्पादन की अगर बात की जाए तो 1933 में 27 मार्च को एक शोध के दौरान गलती से एक सफ़ेद पदार्थ बन गया, जिसे शोधकर्ताओं ने उस पदार्थ को देखा और सिरे से खारिज कर दिया कि ये कुछ भी नहीं है। किंतु उस दौर के एक युवा वैज्ञानिक होते थे जॉर्ज फीचम, उनके द्वारा ऐसे इस बात से निराश भी नहीं हुए कि इसे सिरे से खारिज कर दिया गया और उन्होंने इस पर शोध आगे बढ़ाया और कालांतर में औद्योगिक तौर पर पॉलीथीन के रूप में स्थापित हुआ। देखा जाए तो प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के एक शब्द प्लास्टिकोज अथवा प्लास्टोज ही मानी गई है। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है लचीला या और मनचाहा आकार देना। पॉलीथीन के कुछ फायदे हैं तो अनेक नुकसान भी हैं। 21वीं सदी के अंतिम दशक में जब प्लास्टिक ने तबाही, माफ कीजिएगा, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, 21वीं सदी तो अभी चल रही है, 20वीं सदी के अंतिम दशक में जब प्लास्टिक ने
जिस तरीके की तबाही मचाना आरंभ किया वो वास्तव में बहुत दर्दनाक माना जा सकता है। इस आज प्लास्टिक के खतरों को भांपते हुए दुनिया भर में इसे प्रतिबंधित करने की कवायद की जा रही है। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में प्लास्टिक की समस्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति पर कहर बनकर टूट रहा है, तो वहीं मनुष्यों के लिए और यहाँ रहने वाले इस कायनात में, इस दुनिया में, ईश्वर की बनाई इस संरचना में रहने वाले हर जीव जंतु के लिए ये परेशानी का सबब बन चुका है। सिंगल यूज प्लास्टिक वास्तव में बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। कुछ साल पहले 1 जुलाई के बाद इसके निर्माण के घटकों, इसके निर्माण, जो इसका निर्माण होता है, निर्माण घटकों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पर इस प्रतिबंध लगाने के बाद भी ये अन्य प्रतिबंधों जैसा ही साबित होता आ रहा, अर्थात उस पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। प्लास्टिक के कम समय में लोकप्रिय होने के पीछे मुख्य वजह यही मानी जा सकती है कि इससे बनी वस्तुएं जल्द खराब नहीं होती, ना टूटती हैं, पानी के प्रभाव में इसमें जंग भी नहीं लगता है, सड़ती भी नहीं है, लोहे की तरह जंग नहीं लगता। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पानी में, लोहे में जंग लग जाता है पर प्लास्टिक में जंग नहीं लगता, और ये बहुत हल्की और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत सुलभ और दाम में बेहद सस्ती होती है। ये बिजली की कुचालक होने के कारण बिजली के उपकरणों को बनाने में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाने लगा। यही कारण है कि 80 के दशक के बाद भारत में भी प्लास्टिक का चलन बहुत तेजी से बढ़ चुका है। आज अगर आपकी आयु 50, 55, 60 वर्ष की है तो आपको याद होगा बचपन में जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कहीं स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे, या आपके पिता, माता, भाई, बहन जब स्कूल, ऑफिस कहीं भी जाया करते थे, वे पानी ले जाने के लिए, तब तो खैर स्कूल में पानी के बैग बोतल का चलन नहीं था, तब स्कूल में जो प्याऊ हुआ करती थी उसी से पानी पिया करते थे। पर उसके अलावा अगर आप जाते थे, कहीं यात्रा करते थे, तो छागल और सुराही आप ले जाते थे या कांच की बोतल ले जाया करते थे। छागल को छोड़कर बाकी सब में टूटने का खतरा बना रहता था। 80 के दशक के पूर्वार्ध में बोतल बंद पानी मिलना आरंभ हुआ और इस सब के चलते छागल, मटका, सुराही और कांच की बोतलों का स्थान प्लास्टिक की बोतल ने ले लिया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है प्लास्टिक की कि इसे मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है, मनचाहे पदार्थ को मिलाकर। प्लास्टिक आज हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सच है कि प्लास्टिक का आविष्कार जब हुआ था तो इसे बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा था, किंतु आज प्लास्टिक पृथ्वी पर पर्यावरण और अन्य कारणों से सबसे ज़्यादा हानिकारक भी माना जा रहा है। आज प्लास्टिक को जिस तरीके से मिट्टी में दबाया जा रहा है, कचरे के ढेर आप देख रहे होंगे, वो आने वाले कल में मिट्टी की उत्पादकता और उर्वरकता को पूरी तरह प्रभावित कर चुका है। अब होना बाकी नहीं, कर चुका है, इसे रोका जाना चाहिए, इस पर शोध किए जाने चाहिए, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। आज के समय में शहरों में प्लास्टिक का कचरा फैला दिखाई दे रहा है, शहरों में प्लास्टिक जहां संग्रहित किया जाता है वहां प्लास्टिक के पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। अनेक शहरों में प्लास्टिक के कचरे में आग लगाई जाती है, उससे उठने वाली असहनीय दुर्गंध के पीछे केमिकल्स होते हैं। अनेक शहरों के ड्रेनेज सिस्टम में पॉलीथीन पूरी तरह ठप कर चुकी है। पॉलीथीन के घटकों के विघटित होने में, नष्ट होने में साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, 1000 साल से ज़्यादा समय लगता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। आज हम अपनी सुविधाओं के लिए अपेक्षाकृत सस्ती पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, उसे बिना सुरक्षित तरीके से विनष्ट किए हुए फेंक रहे हैं, जो आने वाले समय में पर्यावरण के लिए नुकसान बन चुकी है, बनेगी नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसंधान प्रतिवेदन पर अगर आप नज़र डालें तो हर मिनट में 1 ट्रक कचरा समुद्र में जल स्रोतों के जरिए समाहित हो रहा है। 1 ट्रक 1 मिनट में, अगर आप देखें तो 1 दिन 24 घंटे में 1440 ट्रक जा रहे हैं। साल भर में 5,25,000
600 ट्रक कचरा समुद्र में समाहित हो रहा है। प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, ये तैरता ही रहता है और जल तटों को प्रदूषित करता है, ये बात सभी जानते हैं। इसके चलते कितने जलचरों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, कितने जलचरों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है, इस बारे में सोचने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। UNEP के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्लास्टिक की भागीदारी 3.4% से ज़्यादा है। एक आश्चर्य की बात यह भी है कि विश्व भर में बनाए जाने वाले प्लास्टिक के उत्पादों पर मात्र 10% ही पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिलिंग इसकी की जाती है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले तत्वों को पर्यावरण और मानव की सेहत के लिए खतरनाक माना गया है। सबके चलते संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नया पहल की जा रही है। UNO के द्वारा प्लास्टिक से फैलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार किया जा रहा है, तैयार कर लिया गया, लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है साल के अंत में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित सम्मेलन में मसौदे पर मुहर लग जाएगी। लिमटी की लालटेन के 649वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 650वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।